Today's topic is mechanized open cast mines. इस टॉपिक पे हम मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होती हैं, उनका क्या क्या रोल प्ले होता है माइंस में, वो क्या क्या काम करती हैं, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला मशीन है डोजर, जिसको बुलडोज़र भी बोलते हैं। अभी इसका यूज़ क्या होता है? फर्स्ट यूज़ रोड को प्लेन करने के लिए। फॉरेस्ट एरिया अगर है तो जैसे झाड़ी हो गया, पहाड़ी एरिया, उसको प्लेन करने के लिए यूज होता। रोड अगर नरम है, हार्डनेस कम है, मिट्टी वाला एरिया है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ होता। और भी ड्रिलिंग फेस देने के लिए बुलडोज़र का यूज़ होता, मटेरियल डोजिंग करने के लिए यूज़ होता, फ्लाई रॉक ब्लास्टिंग के थ्रू जो भी फ्लाई रॉक जनरेट होते रोड लेवल के लिए, बीस डंप मेंटेन करने के लिए डोजर का काम यूज़ होता है। मीन्स मल्टीपल काम में डोजर का यूज़ किया जा सकता है। डोजर में चेन सिस्टम रहता है, जिसके कारण वो हार्ड रॉक्स में भी उसको रन करके उसका यूज़ किया जा सकता है। सेकंड मशीन शॉवेल या फिर एक्सकेवेटर, दोनों का देखेंगे। शॉवेल का यूज़ पहला मिट्टी काटने में यूज़ होता है, जब ओवरबर्डन माइंस का ओपनिंग रहता है तब। देन लोडिंग ऑफ मिनरल्स में यूज़ होता है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन टाइम भी शॉवेल का यूज़ किया जाता है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर भी शॉवेल ही को ही कहते हैं, जो कि ड्रैग लाइन में यूज़ किया जाता है। वैगन ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया है, जिसमें मालगाड़ी जिसको बोलते हैं, ट्रेन के डिब्बे, उसको वैगन, जिसमें मटेरियल लिफ्ट होता है। वैगन ड्रिलिंग, डीप होल करने के लिए वैगन ड्रिल का यूज़ किया जाता है। डंपर का यूज़ मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस को ले जाने के लिए डंपर का यूज़ किया जाता है। डंपर की कैपेसिटी देखी जाती है कि कितना टन उसमें मटेरियल आएगा। रोड ग्रेडर, हॉल रोड माइंस में भी रोड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके कारण रास्ता बनाने के लिए रोड ग्रेडर का यूज़ किया जाता है। अभी 6 पॉइंट, क्रेन का यूज़ हैवी लोड लिफ्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हैवी ड्रम हो गया, कोई पंप का स्ट्रक्चर हो गया, या एनी कुछ भी भारी से भारी सामान, या टनल का यूज़ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो होल पाइप्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लिफ्टिंग के लिए क्रेन का यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोजिव वैन, ब्लास्टिंग के सामान को ले जाने या ले आने के लिए मैगजीन से ब्लास्टिंग स्टेशन तक, जहाँ पे भी ब्लास्टिंग करनी है, एक्सप्लोजिव ट्रांसपोर्टेंस के लिए एक्सप्लोजिव वैन का यूज़ किया जाता है। और ये जो एक्सप्लोजिव वैन है, का स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर पर आवर होता है। एक्सप्लोजिव जो लेटर है वो कैपिटल में रहेगा, जिसका 25 सेंटीमीटर रहेगा, ये रेड कलर में एक्सप्लोजिव बाय अक्षरों में लिखा रहेगा, जिसमें कि डेंजर का साइन इंक्लूड रहेगा। कंप्रेशर, बिग साइज स्मॉल साइज, जैक हैमर, छोटे छोटे होल करने के लिए जैक हैमर का यूज़ किया जाता है। मेंटेनेंस वैन, माइंस में जब भी मशीनरी इक्विपमेंट्स ऑन होते हैं, कुछ ना कुछ माइनर या मेजर प्रॉब्लम्स आ जाता है, तब मेंटेनेंस वैन का यूज़ करके मेंटेनेंस टीम साइट में पहुंच के
जो भी खामी आई है मशीन में या इक्विपमेंट्स में उसको टेकल करती है। वाटर टैंकर रोड में डस्ट कंट्रोल करने के लिए वाटर टैंकर से वाटर का स्प्रिंकलिंग वाटर स्प्रिंकलर किया जाता है ताकि डस्ट जो सॉइल है वो ग्राउंड से स्टक हो जाए और डस्ट एयर में ना उड़े। डीजल टैंकर इक्विपमेंट्स को डीजल देने के लिए डीजल टैंकर का यूज़ किया जाता है। जहाँ डीजल टैंकर उपलब्ध नहीं रहता वहाँ पे बैरल के थ्रू मैन्युअली डीजल प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिक एंड गैस वेल्डिंग सेट कोई भी स्ट्रक्चर या तो डिसमेंटल हो गया उसको फिर से जोड़ना है तो गैस वेल्डिंग के यूज़ करके क्रैक एरिया को फिल करके उसको जॉइंट किया जाता है। वर्कशॉप वर्कशॉप में मेंटेनेंस टायर रिपेयरिंग वर्क अदर मिसलिनियस वर्क स्टोरेज एक्टिविटीज़ को वर्कशॉप बनाया जाता है जिसमें कोई भी पार्ट्स का मेंटेनेंस करना है ग्रीसिंग इंजन ऑयल चेंज ये सब वर्कशॉप में होता है। जीप पेट्रोलिंग के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस साइट में मूवमेंट के लिए जीप का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये था मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में इतने सारे इक्विपमेंट्स और उनके यूजेस के बारे में डिटेल में वीडियो था। ये इक्विपमेंट्स हर माइंस में रहते ही रहते हैं और इनका यूज़ बहुत ही ज़रूरी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।